सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का सोमवार को दिन निधन हो गया। वो 92 साल के थे और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके परिवार ने इस बात की जानकारी दी। परिवार वालों ने बताया कि वो कई बीमारियों से पीड़ित थे। सिक्किम के तीसरे मुख्यमंत्री गुरुंग ने गंगटोक के लुमसुई आवास अपने घर पर सुबह करीब 6 बजे अंतिम सांस ली। सिक्किम सरकार ने उनके सम्मान में 3 अप्रैल तक 7 दिन का राजकीय शोक की अनाउंसमेंट की है। 11 अक्टूबर 1929 को पश्चिम सिक्किम के चाकुंग में जन्मे गुरुंग ने अपनी स्कूली शिक्षा दार्जिलिंग के सेंट रॉबर्ट स्कूल से की थी। उन्होंने कलकत्ता के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और उन्होंने कुछ दिनों तक एक शिक्षक के रूप में काम भी किया। बाद में वो अंग्रेजी दैनिक अमृता बाजार पत्रिका में स्टाफ रिपोर्टर बन गया। उन्होंने सिक्किम की पहली समाचार आधारित नेपाली पत्रिका कंचनजंगा का भी संपादन किया था। बता दें कि उन्होंने अपनी राजनीतिक जिंदगी में शुरुआत 1947 में सिक्किम राज्य के कांग्रेस के सदस्य के रूप में की थी। 1958 में वो इसके महासचिव बने और फिर 1967 में उन्होंने सिक्किम के तत्कालीन साम्राज्य में पार्षद चुना गया। 1977 में सिक्किम के भारत में विलय के बाद गुरुंग को 1977 में सिक्किम राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पहली राज्य विधानसभा के लिए चुना गया था। उन्हें पहली विधानसभा का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और 1979 तक उन्होंने सेवा की थी। तो ये है पूरी खबर सिक्किम के पूर्व सीएम बीबी गुरुंग के निधन पर। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।